आता ना यार जोड़ने, ये कहता है देखो दो वेक्टर, देखो कितना क्वेश्चन आया यार वेक्टर से ना, आपको लग रहा होगा कि वेक्टर से क्यों, क्योंकि देखो कोई भी आदमी जो थोड़ा भी फिजिक्स पढ़ा लिखा है उसको आता है, या कोई भी स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट रखता है फिजिक्स में उसको सबसे अच्छा लगता है वेक्टर। वेक्टर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बार बार यूज होगा हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व रहता है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, इस पर हमारी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो कहता है दो वेक्टर है, ए क्रॉस बी भैया दो वेक्टर है, चलो इनका क्रॉस ले लो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है और ये रूट थ्री है और ए डॉट बी है, ए डॉट बी एक स्केलर है, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर में रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो गया और ये मैग्नीट्यूड है। तो कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जैसे ही तुम निकालने जाओगे, ठीक है, तो तुम लिखोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस थीटा और अंडर रूट, है ना, इतना तो आता होगा भैया। चलो तो जैसे ही तुम ए क्रॉस बी लिखोगे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि एक अननोन आ जाएगा थीटा। अब यार एक थीटा अगर अननोन आ गया तो मैं थीटा को कहाँ से उठा के ले गया हूँ भाई, तो थीटा यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो थीटा मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, मॉड लगा तो एन कैप गायब हो गया, और रूट थ्री ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी ने ए बी को, ठीक है, तो थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब टैन थीटा अगर रूट थ्री है तो थीटा की वैल्यू 60 होती है यार, है ना, तो अगर 60 होती है ए उठा के डालोगे यहाँ तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60 वन बाई टू अंडर रूट, तो 1/2 ने इस 2 ने 2 को, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और की पावर 1/2, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो